तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्याज है, उस पर थोड़ा सा साल्ट और जो टर्मरिक पाउडर, दोस्तों देख सकते हैं पंछी यहाँ पे किस तरीके से जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लगभग मेरा काम पूरा खत्म होके आ गया है, अभी हम लोग रेस्ट में जाएंगे। ये राइस है और ये कैबेज है, अभी हम लोग बॉइल भी कर लिया और यहाँ पे चिकन भी फ्राई हो गया है और अभी इंडियन ग्रेवी बनाएंगे, इसके लिए टोमेटो और प्याज भी ले रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे परोठा का माव भी बन गया है, परोठा बनाने के लिए माव भी रेडी हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा परोठा मास्टर कटिंग कर रहा है मस्त स्टाइल में, ये हम लोगों का परोठा मास्टर, ये देखो प्याज कटिंग कर रहा है। अभी परोठा के लिए ग्रेवी बनाएंगे और फिर इडली डोसा वगैरह जाता है इसके लिए चटनी भी रेडी होगा, देख सकते हैं। इंडियन ग्रेवी जो येलो ग्रेवी होता है वो ख़त्म हो गया है, आज हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो सोचा आज कुछ नया स्टाइल से ग्रेवी बनाएंगे। पहले तो हम लोग ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को कटिंग करते थे, फिर उसको टमाटर कट करके फिर हम लोग ऑयल में फ्राई और बॉईल करते उसके बाद बनाते थे, लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट कुकर में डाल के बनाएंगे, एक साथ में कुकर में डालेंगे बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आप लोगों को मैं वो बना के अभी दिखाऊँगा। और दोस्तों हमारी तंदूरी और कौरमा का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी ग्रेवी मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरा से। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्याज है और टोमेटो, थोड़ा सा ग्रीन चिली लिए हैं, अच्छे से हम लोग क्लीन कर लिया है इसको। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं काजू है और मगज जो बोलते हैं हम लोग, मैं आपको अच्छे से भी दिखाना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से हम लोग अभी धो लेंगे, फिर उसके बाद इस ग्रेवी में डाल के मसाला पूरा डाल के कुकर में बिठा देंगे, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है और वीडियो बनाने में हम लोगों को आसानी मिल होता है। थोड़ा बादाम डालेंगे, बादाम चोपर, बादाम बादाम चोपा निकल के डालो। अच्छा ये चोपा बिना चोपा का एक डाल देंगे, बस दो डालेंगे तो देख सकते हैं अनीश ने दो बादाम डाला है इधर है, आप देख सकते हैं सिर्फ दो पीस ही डाला है। दोस्तों प्याज टमाटर ग्रीन चिल्ली और जो काजू होता है कैसनेट उसको डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें इलाच और ये है पट्टा, आप लोग देख सकते हैं दारूचीनी जिसको हम लोग बोलते हैं, और थोड़ा लवंग भी डाला है हम लोगों ने, ग्राम ग्राम लवंग है, और जो तेजपत्तर होता है हम लोग उसको तेजपत्ता बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने इसमें डाला है ताकि हमारी ग्रेवी में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। हम लोग सिर्फ इस पे थोड़ा सा साल्ट और जो टर्मरिक पाउडर होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, जब तड़का लगाएंगे तब हम लोग जो जो मसाला डालेंगे वो आप लोगों को दिखा दूंगा, देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको कुकर में बिठा देंगे, बॉयल होने तक का इंतज़ार करेंगे।
और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 48% मतलब जो व्यूज आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करके चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप लोग का एक सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को वीडियो बनाने का लिए बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग आपके लिए हर रोज़ ऐसा इसी तरीके का वीडियो बनाते रहेंगे। बात दोस्तों, हमारे चैनल में अभी 99 मेंबर हो गए हैं, सब्सक्राइबर 99 हुआ है और एक चाहिए, फिर हमारा 100 जो है वो पूरा हो जाएगा, 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी पे हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, तो इस वजह से हम लोग जो काम वगैरह करते हैं वही आप लोगों को ब्लॉग शूट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ हर रोज, और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।